वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे कि किस तरह मदर्स डे शुरू हुआ। हमने मदर्स डे की हिस्ट्री को डिस्कस किया, हमने देखा कि माँ की अजमत क्या है, माँ किस तरह मुश्किल हालात में भी अपने बच्चों की परवरिश करती है, और अभी वक्त है कि हम माँ के एक और अछूते किरदार के बारे में देखें। माँ जो मोहब्बत की मलिका है, जो जिसका दिल मोहब्बत से भरा होता है, हम माँ की इस मोहब्बत को अभी एक्सप्लोर करेंगे। और उससे पहले मैं इस मौके को इस्तेमाल करूँगी कि मैं अपनी माँ को और हमारी जो मैम है, हमारी होशाना टीवी की मैम मिसेज नसरीन मर्सी को मदर्स डे विश करूँगी, और आप दोनों माओं के लिए और मेरी मदर इन लॉ के लिए और जितनी भी माएँ होशाना टीवी को अभी देख रही हैं, क्योंकि ये दिन आपका है, आज आप लोगों का दिन है, आप लोगों की अजमत को हम सब मिलकर सलाम करते हैं। तो ख़ास आप लोगों के लिए एक छोटी सी नज़म पेश करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि माँ की मोहब्बत क्या है। और आप सारी माएँ और स्पेशली हमारी मैम को अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, और ये प्यारी सी नज़म आप लोगों के लिए। ये कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कम सिन व नादा, कहाँ बिसाते जहाँ और मैं यहाँ कम सिन व नादा। ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू माई मामा जानी, टू माई मदर इन लॉ एंड टू आर मैम मिसेज नसरीन मर्सी। आप सबको माओ का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी अजमत को हम सब का सलाम। तो हम आगे बढ़ेंगे और माँ की मोहब्बत को हम एक्सप्लोर करेंगे। माँ की मोहब्बत क्या होती है, माँ क्यों इतनी मोहब्बत करती है, और माँ को क्यों ये दर्जा दिया गया है कि जहाँ खुदा मौजूद नहीं वहाँ खुदा ने माँ को तख्लीक कर दिया कि वो उस जगह पर मौजूद रहे और वैसी मोहब्बत ही करे जैसा खुदा करता है। गो कि माँ मोहब्बत करती है और मेरा खुदा 70 माओं से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। तो माँ की इस सिफ्त को, मोहब्बत को हम सीखेंगे और माँ के इस अछूते से किरदार को आज जानेंगे। और इसके लिए मैं दावत दूंगी मिसेस आस्तर आशर को कि वो हमारे लिए माँ की मोहब्बत के उन्वान को पेश करें। तो मिसेस आस्तर, हमारे लिए माँ की मोहब्बत के बारे में आप बयान करें। थैंक यू सिस्टर जी। कलाम मुकद्दस में से मैं जिसाया की किताब में से 45वां बाब और उसकी 10वीं आयत आपके सामने पढ़ूंगी। उस पर अफसोस जो बाप से कहे तू किस चीज़ का वालिद है, और माँ से कहे तू किस चीज़ की वालदा है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन आमीन। माँ की मोहब्बत के बारे में आज हम जो सीखेंगे, तो उसके लिए मैं सारपत की बेवा जो के जिसके पास खुदा का बंदा जो है एलिया नबी आया, तो उसने उसकी बात का यकीन किया और वो अपने साथ ले गई और उसकी खिदमत करने लगी। लेकिन कुछ अरसा या कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि जो उसका इकलौता ही बेटा है और उसको वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी सहारा समझ रही है, वो फौत हो जाता है। तो जब वो अपने बेटे को ऐसी नाखस्ता हालत में देखती है कि मेरा दुनिया से सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके लिए एक बहुत अब इबरत की तरह था कि अब मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं बचा। तो वो अपने बच्चे को उठा के खुदा के बंदा के पास लेके जाती है कि ऐ मर्दे खुदा, मैंने तेरी सब बातों का यकीन किया जो तूने मुझे खुदा की तरफ से कही, और मैं तेरी खिदमत करती रही, और मेरी खिदमत के बदले में मुझे ये मिला, मुझे मेरी खिदमत के बदले में मेरे बेटे की जान वापस चाहिए। और वो इतने यकीन के साथ, भरोसे के साथ, उसकी माँ जो है अंदर की ममता जो है वो खुदा के बंदा के सामने ऐसे रोई गिड़गिड़ाई कि वो देख ना सका, और वो उस बच्चे को जो कि जिसमें सांसें नहीं थी वो उठा के अपनी कोठरी में लेके गया। और उस माँ के लिए जो मोहब्बत से भरी हुई माँ है, अपने बच्चे को उसने जब जिंदा पाया तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था
कि उसकी दुनिया फिर से आबाद होगी अपने बेटे को देख के। माँ एक ऐसा खूबसूरत लफ्ज़ है जो कि बोलने से मुँह में एक मिठास सी और दिल को एक सुकून सा महसूस होता है, क्योंकि इस दुनिया में हर शख्स जो आया है उसके इस दुनिया में तशरीफ़ फावरी का जो सबब है वो एक माँ है। माँ जब हमें हमारी ज़िंदगी में एक अहम करदार अदा करती है तो उसमें माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई रिश्तेदार, कोई भी दुनिया का रिश्ता जो है वो माँ से बढ़कर नहीं हो सकता। अभी आपने बताया कि खुदा ने मोहब्बत के लिए माँ को बनाया है, तो माँ एक ऐसा अजीम रिश्ता है कि लाखों ऐब अपनी औलाद के छुपा लेती है। और इसी तरह खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में हमें सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत, पाक मोहब्बत यह है कि हम एक दूसरे के ऐबों को छुपाएं। इसके लिए मैं एक खूबसूरत शेर आपके सामने पढूंगी। जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो सिर्फ एक माँ करती है। जी करती है, हाँ करती है, ऐसा तो सिर्फ एक माँ करती है। प्यार तो है माँ की ममता, दुनिया कहाँ ऐसा प्यार करती है। तो माँ जो है उसके अंदर खुदा ने ऐसा अजीम मोहब्बत रखी होती है। वो उसके चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, हर बच्चे का उसने ध्यान रखना है, हर बच्चे की उसने बात को सुनना है और सबको बराबर रखने की कोशिश करती है कि मेरे किसी भी एक बच्चे के साथ ज्यादती ना हो, मैं किसी को कम या किसी को ज़्यादा ना रखूँ। माँ की मोहब्बत जो है वो हमें बाज़ार से नहीं मिल सकती। ये दुनिया में हर चीज़ बिकती है, लेकिन दुनिया से माँ की मोहब्बत कोई नहीं ख़रीद सकता। ये उन तमाम लोगों के लिए जिनकी माएँ उनके साथ हैं कि वो अपने माँ की तरबियत को अपने गले का तौक बनाएं, ताकि उनकी माँ की यादें उनमें और माँ के जाने के बाद माँ का अक्स उनमें नज़र आए। क्योंकि जब माँ की तरबियत को हम हासिल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हम एक अपनी माँ की तस्वीर बन जाते हैं, हम में से हमारी माँ नज़र आती है। माँ अपनी औलाद को, माँ की मोहब्बत ऐसी अजीम होती है उसके अपने बच्चों को जब वो अपने हाथों में पलता हुआ भरता हुआ देखती है, तो उसकी एक एक चाल ढाल से उसको समझ आती है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ तक कि उसकी आंखें लाल है तो उसको पता होता है कि ये ज़्यादा रोने से लाल हैं या ज़्यादा सोने से लाल हैं। उसके चेहरे पे उदासी और खुशी दोनों को वो पढ़ लेती है। और माँ के अंदर खुदा ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि वो अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रवैये के साथ जब रहती है तो बच्चे उसके साथ बहुत घुल मिलकर रहते हैं। जब भी बच्चा कोई तकलीफ में होता है तो उसके मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलता है, माँ का। तो वो माँ जो बचपन से लेके बच्चों को परवान चढ़ाती है, जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो वो तन्हा रह जाते हैं माँ बाप। तो इसके लिए मैं एक शेर बोलूँगी। पर क्या लगे कि घोंसलों से उड़ गए सभी, पर क्या लगे कि घोंसलों से उड़ गए सभी, वो फिर अकेली रह गई बच्चों को पालकर। वो माँ जो बच्चों की परवरिश के लिए लगी रहती है, दिन रात मेहनत करती है, अपनी नींद को भूल जाती है जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं फिर भी वो बेफिक्र नहीं हो सकती, उसकी फिक्र और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो औलाद जब अपने पाँव पे खड़ी होती है, जब वक़्त आता है कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने, तो वो उसको छोड़ जाते हैं। तो ऐसी जब हम लोग माँ बाप को ठुकरा देते हैं तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अभी तरबियत में होते हैं, अभी तो उनके माँ जो है उनसे उनका साया जो है वो घुस जाता है और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि ये खुदा की देन है कि कब किसको जाना है, ये खुदा का वक्त मुकर्रर है। तो इसके लिए कलाम मुकद्दस में हवाला ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है 27वें बाब की 10वीं आयत में कि जिसके माँ बाप नहीं हैं खुदावंद खुद उनको संभालता है। तो आज माँ के इस स्पेशल दिन के मौका पर जिनकी माएँ सलामत हैं उन सबको खुशी के साथ अपनी माओं के पास सेलिब्रेट करना चाहिए, और जिनकी नहीं हैं वो भी खुदावंद के हजूर अपने आप को झुकाएं और अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपें, और वो तसल्ली जो एक माँ के साथ महसूस करते हैं
खुदा के साथ महसूस करें। सो खुदावंद आज के पाक कलाम की वसीला से बरकत बख्शे। मैम आपने बड़ी खूबसूरती से आज के हमारे सम्मान को पेश किया और माँ की मोहब्बत के बारे में हमें बताया। मेरे अजीजों, माँ जो है वो जब हम ये लफ्ज कहते हैं, जब एक औरत एक लड़की माँ बनती है तो एक बहुत ही पेचीदा सफ़र से वो गुजरती है, और ये सफ़र जो है वो इतना तकलीफ नाक होता है, इतना दुख भरा होता है, इतनी तकलीफ़ें, इतनी आजमाइशें आती हैं। गो कि एक माँ बहुत खुश होती है कि वो एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में लाने वाली है, लेकिन ये सफ़र जो है अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस रखता है। एक माँ जो है वो सबसे पहले उसके पसंद की सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनसे उसे चिढ़ हो जाती है, नफ़रत हो जाती है, उसे वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो उस एक ऐसे टाइम से गुजर रही होती है जहाँ वो अपनी उन पसंदीदा चीज़ों को भी अपने बच्चे के लिए जो इस दुनिया में आने वाला है उसके लिए वो उनसे बिल्कुल किनारा कशी कर लेती है। और जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो कहते हैं कि अगर किसी की एक हड्डी टूटती है तो हम दर्द से एकदम चीख उठते हैं। जब एक माँ जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है तो तब 100 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द होती है जो एक माँ बर्दाश्त करती है। और वो माँ इतने दर्द को बर्दाश्त करने के बाद जैसे ही अपने उस नौजायदा बच्चे को अपने पास देखती है, उसे फेस टू फेस देखती है, उसे अपने हाथों में लेती है, तो वो सारा दर्द भूल जाती है जो उसने इस पेचीदा सफ़र के दौरान गुजारा और सफ़र के दौरान बर्दाश्त किया। तो ये है माँ की अजमत, ये है माँ की मोहब्बत जो हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। माँ की इसी मोहब्बत को हम सब सलाम करते हैं और माँ की अगली इस एक सिफ्त को हम जो है वो एक्सप्लोर करेंगे अब, और देखेंगे कि माँ जो इतने दर्द से, इतनी तकलीफ़ों से एक इंसान को इस दुनिया में लाती है, वो उस इंसान की परवरिश कैसे करती है, वो उस बच्चों की परवरिश में क्या अहम किरदार अदा करती है। इस अहम किरदार को तरबियत के दौरान हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, और माँ की तरबियत के बारे में हमें जो बताएंगी इसके लिए मैं दावत दूंगी मिसेस शाजिया परवेज़ को कि वो हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो बयान करें कि माँ की तरबियत क्या है, माँ एक बच्चे की तरबियत कैसे करती है। तो मिसेस शाजिया परवेज़, हमारे लिए आप बयान कीजिए माँ की तरबियत के बारे में। कलाम मुकद्दस में से जो मैं बयान करूँगी, इफ्ताह जलादी की बेटी को बयान करूँगी। जब उसने मन्नत मांगी कि जब मैं जंग जीत कर आऊँगा तो सबसे पहले मेरे फाटक में से मुझे जो नज़र आएगा खुदावन वो तेरी नज़र हो जाएगा। और उसकी बेटी गाती बजाती अपने बाप के इस्तकबाल को आई, और जब उसने देखा कि मेरी बेटी मेरे सामने से आ रही है, उसने कहा कि मेरे दुख देने वालों में से एक तू भी है जो तूने आज मुझे दुख दिया है। और उसकी बेटी ने कहा कि बाप मैंने तुझे क्या दुख दिया है। और जब उसने बताया कि जब मैं जंग लड़ने के लिए जा रहा था तो मैंने खुदा से मन्नत मांगी कि मेरे फाटकों में सबसे पहले जो मुझे नज़र आएगा वो तेरी नज़र हो जाएगा, वो उसकी माँ ने उसकी ऐसी तरबियत की कि खुदा के कलाम में से इस तरह की तरबियत की कि उसने अपने बाप से कहा कि बाप तू रो ना, जिस तरह तूने खुदा से मन्नत मांगी है तो उसी तरह उस मन्नत को पूरा कर और तू मुझे खुदावन के लिए कुर्बान कर दे। वो बेटी ये भी कह सकती थी कि बाप अगर तूने मन्नत मांगी है तो तू खुदा से इल्तिजा कर, इस मन्नत को कह के मैं नहीं पूरा कर सकता। लेकिन वो उसकी तरबियत उसकी माँ ने इस तरह के की और वो अपने बाप की भी वफ़ादार निकली, अपनी माँ की भी और खुदा की भी वफ़ादार निकली। उसने कहा तो खुदा के हजूर मुझे कुर्बान कर दे। इसी तरह जब हम आम तौर पर देखते हैं कि आज की माएँ अपनी बेटे को ऐसी तरबियत देती हैं, खुदा के हुक्मों के बारे में बताती हैं, जिस तरह के यहूदी औरतें जब दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को खुदा के अहकाम के बारे में बताती हैं, क्या आज की औरतें बताती हैं कि खुदा के अहकाम के बारे में अपने बच्चों को? अगर उसका बच्चा कुछ कर रहा है पूछती हैं कि बेटे तू कहाँ जा रहा है, तू किधर से आ रहा है, तो किन लोगों के साथ उठता बैठता, हम नहीं पूछते। जब ये बड़े होंगे हम इसे खुद ही ये समझ जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें चाहिए कि जब हमारे बच्चे छोटे हैं हम उनकी ऐसी तरबियत करें, उन्हें रोकें कि बुरे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी से गाली गलोच नहीं करना, मेहनोशी नहीं करनी, और उनकी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के साथ जोड़ें, जिस तरह के उस बेटी की ज़िंदगी खुदा के साथ जुड़ी थी। इसलिए उसने अपने बाप को इनकार नहीं किया, उसने कहा मुझे खुदावंद के लिए तू कुर्बान कर दे। हम छोटी सी मिसाल के साथ सीखेंगे, एक औरत थी, एक माँ थी, उसका एक बेटा था, और जब वो पहले दिन चोरी करके कंडा लाता है माँ खुश होती है, बेटे तूने बहुत अच्छा किया,
इसकी ज़रूरत थी। इसी तरह वो बेटा फिर से चोरी कर कर लाता है, माँ उसे मना नहीं करती बल्कि खुश होती है। इसी तरह वो आस्ता आस्ता बहुत बड़ी चोरी कर लेता है, जब बहुत बड़ी चोरी करता है तो पकड़ा जाता है, उसे सजाए मौत सुनाई जाती है। और जब उसे पूछा जाता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो वो कहता है कि मुझे मेरी माँ से मिलाया जाए। और जब वो अपनी माँ से मिलता है, उसे कहता है कि अगर तू मेरी तरबियत करती, नसीहत करती, मुझे रोकती, तो आज मैं ज़िंदा होता ना कि मैं मरने को होता, आज मेरी नसीहत तूने अच्छी नहीं की। इसी तरह हमें भी चाहिए हम माशरे में रहते हुए अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करें, नसीहत करें। हमारी बेटियां बेटे शादी करें तो उन्हें पता हो कि जिस तरह हमारी माओं ने हमारी तरबियत की है, इसी तरह हम भी अपने बच्चों की तरबियत करें। जिस तरह मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की, खुदा का शुक्र है कि मेरी माँ ने हमारे, हम चार बहनें चार भाई हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है मेरी माँ ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है और हमें सिखाया है कि क्या गलत है क्या सही है और हमें ज़िंदगी खुदा के साथ कैसी गुजारनी है। इसी तरह आज हम खुदा के खादम हैं, खुदा की बंदगी करते हैं और ज़िंदगी गुजारें। इसी तरह जब हम देखते हैं नौमी और रूत की भी कहानी, उसकी भी तरबियत, रूत की जो तरबियत है उसकी माँ ने बहुत अच्छी की होती है कि जब वो अपनी सास को भी अपनी माँ मानती है और उसे कहती है मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी, जबकि वो कहती है तो मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन वो कहती है तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, और जहाँ तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी। वो बेटे का करदार अता करती है जिस तरह की उसकी बेटी है। खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे एक अच्छी सास भी दी है जो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है और अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। जबकि मेरी माँ बाप सिंध में हैं, लेकिन कभी उसने मुझे कमी नहीं आने दी, और अगर कोई हो भी जाए बात तो खुदा का शुक्र है मुझे ऐसी बात लगता है कि जैसे मेरी माँ दूर ही नहीं, मेरे पास ही है मेरी माँ। खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे एक बहुत अच्छी माँ दी, जिस तरह नौमी थी इसी तरह खुदा ने मुझे एक बहुत अच्छी माँ दी है। और खुदा का शुक्र है मैं भी रूत की तरह अपनी माँ की, अपनी सास की वफादार रहती हूँ, ताकि इस जो रीत है वो चल रही है वो इसी तरह चलती रही, इसलिए कि मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत की। अगर मेरी माँ मुझे कुछ बुरा कहती है तो मैं वो भी तो सहन करती हूँ, अगर कोई सास बात कहती है तो बर्दाश्त नहीं करती बेटी कि ये तो मेरी सास है इसने मुझे क्यों ये कहा है, लेकिन ये नहीं समझती जब हम अपनी माँ को छोड़कर आते हैं तो हमें एक और माँ मिलती है और ये तरबियत माँ ने करनी होती है कि अगर तू जाएगी तो तेरी सास जो है वो तेरी माँ होगी मेरी जगह पर, अगर मैं तुझे डांटती हूँ तो वो भी डांटेगी, तुझे बर्दाश्त करनी है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत करें और खुदा के कलाम में से करें, ताकि और उनकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो और उन्हें बरकत मिले, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो हमें उम्र के दराजे सरफराजी नहीं मिलेगी, वो बरकतें भी नहीं मिलेंगी जो खुदावंद खुदा हमें देना चाहता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी बनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं कि आओ मेरे साथ मिलकर दुआ करो, खुदा के कलाम में से सिखाएं उन्हें कि खुदावंद ने हमें क्या है काम दिए हैं, किन किन हुक्मों पर अमल करना है। और जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो घर में भी खुशियाँ आएंगी, बरकत आएगी और निजात आएगी। ये तब होगा जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे। मैम, बड़ी खूबसूरती से आपने माँ की तरबियत के बारे में बताया, गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, आज हमने माँ के मुख्तलिफ खसलतों को सीखा, हमने माँ की मुख्तलिफ खसूसियात को, किरदार की खसूसियात पे बातचीत की। हमने देखा कि एक माँ किस तरह जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनकी तरबियत करती है, किस तरह उनसे प्यार करती है, उन्हें किस तरह जो है वो इतने शेल्टर में रखती है, इतने महफूज तरीके से उनको, उनकी परवरिश करती है, हर अच्छे बुरे से उनको आगाह करती है। इसीलिए माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा जाता है। मेरे अजीज़ों, जब एक माँ जो है वो इस माँ बनने के अमल से गुजर रही होती है, हम देखते हैं कि जो हमारी बूढ़ी माएँ, हमारी दादियाँ नानियाँ हैं, उनकी पैरों में, उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उनकी कमर झुक जाती है। ये क्यों होता है कि जब वो इस क्रिएशन की प्रोसेस से गुजर रही होती हैं, जब वो एक नई जान को जन्म देने वाली होती हैं, उस वक्त जो बच्चा उनके पेट में होता है वो बच्चा अपनी परवरिश के लिए, अपने बढ़ने के लिए उनके हड्डियों की सारी कैल्शियम खींच लेता है। और ये वो अमल होता है कि जो
उस दौरान तब तो उन्हें नहीं पता लगता क्योंकि वो नौजवान होती हैं, वो जवानी के उस अमल में होती हैं कि वो उस चीज़ को इतना महसूस नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र गुजरती है वही माँ जो है उसकी हड्डियाँ बेंड होने लग जाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, उसके जोड़ों में दर्द होने लग जाती है। तो खुदारा मेरा होशाना टीवी की तवस्सुत से और आज के इस ख़ास दिन के हिसाब से, इस ख़ास दिन के मौका पर यही पैगाम है अपनी बहनों बेटियों और होशाना टीवी के तमाम सामईन और नाजरीन को कि अपनी माओं के साथ, अपनी बड़ों के साथ, अपने उन लोगों के साथ, उन माओं के साथ जिनका कोई भी नहीं है, जो अकेली हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी कदर करें, उनके साथ दो पल बैठ जाएं, उनके साथ खुशी के दो पल गुजारें। आज मदर्स डे के मौके पर उनके पास जाएं, उनके कदमों में बैठें, उनके पैरों को दबाएं और उनको जो है वो एहसास दिलाएं कि उन्होंने अब तक जितना कुछ हमारे लिए किया है वो सब काबिल-ए-सिताइश है, वो सब तारीफ के काबिल है। उनके बच्चे, उनके पोते पोतियां जब उनके पास जाएंगे, जब उनको इस खुशी का, इस इम्पोर्टेंस का एहसास दिलाएंगे तो वो एक फूल की तरह खिल उठेंगी। गो कि वो अपने अंदर बहुत सारे दुखों को लिए बैठी हैं, बहुत सारी आजमाइशों और चैलेंजों से गुजरते हुए वो अपनी ज़िंदगी के इस जो है मकाम तक पहुँची हैं, तो उनको अपने प्यार को उन पर जाहिर करें कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है। और एक औरत के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि उसको बताया जाए कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, उसको जो है तारीफ़ उसकी की जाए, उसको इस चीज़ का रिवॉर्ड दिया जाए कि उसने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आपके इन चंद अल्फाज से ही वो मुरझाया सा फूल खिल उठेगा, उसमें एक जान आ जाएगी, एक बहार आ जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस ख़ास मौका पर मैं फिर से अपने दिल की गहराइयों से और अपनी होशाना की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। We wish you a very happy Mother's Day to each one of you, to all the mothers in every corner of the earth. आप सबको माओं का आलमी दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और अभी वक्त है कि हम आज के इस मौके की मुनासिबत से, क्योंकि मेरी सारी मेहमानें जो हैं वो इस बहुत बड़े रुतबे पे फाइज हैं, मेरे साथ जो मेरी आज की मेहमान हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारी मेरी मेहमानें माएँ हैं, तो हम अपनी इन माओं को एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनके लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम रखेंगे और उनके साथ मिलकर हम आज के इस दिन को जो है वो मनाएंगे। और आपके साथ भी, आप लोग जो सब हमें देख रहे हैं, आप सब हमारे साथ शामिल हों इस सेलिब्रेशन में और होशाना टीवी की मदर्स डे की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनें।